उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पूर्व गनर अनीश खान की हत्या के आरोप में एक पड़ोसी और उसके दो दोस्तों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अनीश खान की मंगलवार शाम हत्या कर दी गई। वह धनंजय सिंह का समर्थक थे। पुलिस ने बताया कि अनीश खान का मंगलवार को अपने पड़ोसी पांडू के साथ विवाद हुआ था। खान शाम को जब रीठी बाजार से कुछ सामान खरीदने गए तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उस पर धारदार हथियार से भी कई वार किए गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनिकेत और प्रिंस के रूप में पहचान किए गए आरोपियों को अनीश खान की हत्या के संबंध में पांडू के साथ FIR में नामित किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि पांडू ने खान पर गोलियां चलाई जबकि दो अन्य ने उस पर कई बार चाकू से वार किया। घटना के बाद तीनों फरार हैं। पुलिस की टीमें तीनों आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। सिकरारा थाने के इंस्पेक्टर युजवेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि पांडू और अनीश खान पहले एक साथ काम करते थे। दोनों का नाम एक मामले में भी आया था लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उनके बीच मतभेद किस वजह से हुआ था।